रात से बैठे फिर से जी बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की कनिया आनी शुरू हो गई है। सारी रात बारिश आती रही है और फिर सुबह सुबह जब उठे हैं और काले स्याह बादल फिर आ गए हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरे से होंगे, अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं जी। यहाँ पे नाश्ता तैयार किया जा रहा है, अंडा बनाया है जी, हरी मिर्चें डाली हैं, टमाटर डाले हैं, मज़ेदार जी तैयार हो गया है जी, क्योंकि मौसम भी ठंडा ठार है, मज़ेदार है जी। अंडा जो है ना मज़ा देगा, पानी वाले भी होते हैं, बिना घी वाले होते हैं वो। और बारिश भी आ रही है, मौसम जो है ना माशाल्लाह जबरदस्त बना हुआ है। बस ये है कि इस मौसम से ये डर लगा हुआ है, जो गंदम तैयार हुई हुई है ना उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाना है। अल्लाह पाक करम करे, बारिश फिर तेज हो गई है। शायद आपको कनिया नजर आ रही होंगी कैमरे में, पता नहीं आ रही। चले जी, हो गया जी नाश्ता तैयार। हाँ जी नाश्ता तैयार, चले माशाल्लाह जी। चाय भी साथ के साथ बनवा लें। ये देखें जी, हल्की हल्की कनिया आ रही है, मज़ेदार गुलाब जामुन आप रुबीना ने मुल्तान से भेजी है। बिस्मिल्लाह करें अम्मी, एक और ले लो अम्मी जी, एक और खा लो ऐसे। चलो जी, चलो जाना सबको दो, इसको भी दो, कोई बड़ा छोटा नहीं। चलो सारे बराबर के। चलो जी अम्मी जी, चलें फिर अब। हाँ जी, शुक्रिया, झाड़ू दे रही है अंदर के रूम की, फिर चलते हैं। यहाँ पर जी शुक्रिया, आज झाड़ू दे रही है अंदर रूम की, जबरदस्त रूम हो गया, साफ सुथरा हो गया माशाल्लाह से। हाँ जी, कितनी देर है जनाब? पास से कूड़ा उठा रही हूं। चलो ठीक है। हाँ जी, मीठा है? मीठा बहुत है, दांतों में लग रहा है, इसलिए आपको कह रही हूँ। मिर्चों वाला नहीं है? ये मिर्चे वाला भी होता है। नहीं, मिर्चों वाला नहीं दिया बाजी। गुलाब जामुन मीठा है। मीठा है? अच्छा। हाँ माँ, तो मीठा है, मजे का है, ठंडा भी था क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था ना। हाँ जी, बाहर रखते हैं ना तो कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं। चलें अब। हाँ जी, चलो जी, तैयारी श्यारी हो चुकी है जी यहाँ पे जी। ये देखें जी, ईद खत्म हो गया लेकिन हमारी दावत जो है ना आज आखिरी रहती है, वो दावत करते हैं फिर जो है ना घर के काम शाम रोजाना की रूटीन। हाँ जी जना। हाँ जी, ईद खत्म होगी। हाँ, ईद खत्म हो गई, ईद खत्म हो गई है ना। अच्छा, फिर अब कहाँ जा रहे हो? अब शिबाज भाई के घर। शिबाज चाचू के घर जा रहे हो? अच्छा, चलो माशाल्लाह जी, माँ तो शातो भी तैयार हो गई है, प्यारे ने तो कल वाले ही कपड़े पहने हुए, इसके साथ शुक्रिया भी बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। चलो जी, ये इब्राहिम की शादी का है सूट। अच्छा, चलो जी, रात पे जो सा डाला था। चलो जी, आज फिर आज भी पहन लिया फिर आप। अच्छा जी, ये बताएं ताले शाले कौन लगाएगा? वो इब्राहिम और जरा। अच्छा चलो, वो फिर बाद में आएंगे। हाँ जी, अपनी बंटो फैब पे। हाँ जी, चलो जी ठीक हो गए, आज अम्मी आज। चलो मासूम फातिमा, चलो 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 शाबाश। और रात जी हम आपको बताते हैं, जाने से पहले मेरी क्योंकि चरपाई जो होती है ना इस जगह पे होती है, होती इस जगह पे चरपाई है लेकिन रात मेरी नहीं, इधर ही थी ये। पहले मेरी इस जगह पे होती है लेकिन रात चरपाई अम्मे की जगह पे थी, मेरी इस जगह पे थी, ये जो जगह सूखी पड़ी है। हम सो रहे थे, अचानक से बारिश आई, हम भी ढीठ बन के सोए रहे सोए रहे सोए रहे। अम्मी के पास जो थी ना मोटी रजाई थी, मेरे पास ये वाला था, ये के पास वो वाली रजाई थी, मेरे पास ये कंबल था। जब मुझे तो जो है ना बिल्कुल पानी पानी हुआ, मेरा कंबल बारीक सा था, मैं तो फिर उठा अम्मी को उठाया, अम्मी जी उठो, अम्मी जी उठी नहीं, अम्मी की थी मोटी रजाई रोई वाली, अम्मी उठी नहीं। मैंने कहा चल सोने दो, या बारिश रुक जाएगी या जब बारिश ज्यादा होगी अम्मी आप ही आ जाएगी अंदर, अब सो रही है बेसुध सो रही है। तो ये हुआ हमारे साथ, अब सारे जो है ना ये सारे जो है ना ये कंबल गद्दे तकिए वगैरह गीले हो गए। शुक्रिया करिए मेरे सारे, तुमने जो है ना गीले कर दिए रजाइयां। वो धूप भी नहीं ना निकली, मोटे बिस्तर है ना, ये पता नहीं सूखेंगे भी नहीं सूखेंगे, अगर धूप निकले सब सूख जाएंगे। हाँ, धूप निकलेगी सूख जाएंगे, अगर अब बारिश आएगी इन्हें गीलो के अंदर रखेंगे कल को निकालेंगे वो तो स्मेल हो जाएगी। फिर हमने तो कहा है ना भाई, ना मैंने गीले किए हैं ना मैंने गीले किए, तो बारिश ने गीले किए हैं, लेकिन हिम्मत तो आपने करनी थी। मैं निकालता रहा, जो जाली जो थी ना मैं जाली में से निकाल रहा था मैं, लेकिन जो है ना वो निकल नहीं रहते, फिर मैं नींद में तो था पुकुलत मत सो गया अंदर जाके। हाँ, काका कहाँ, क्या आ रहा है? काका आ रहा, कहाँ पे है काका, किधर है, क्या कह रही है? क्या आ रहा है काका, किधर है काका? मौसी का। वाह, चलो फिर चलो आज 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 पता नहीं किस किस के काके लेगी। दावत वाले घर जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे जी,
खाने के लिए लकड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। जवान लगा हुआ एक यहाँ पे लकड़ियाँ तैयार कर रहा है और इस साइड पे वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, यहाँ तो आज पहले पहले अच्छा ये अम्मा बनी खड़ी आज है वो माशाल्लाह। तो ये सुर्खी कहाँ से ढूंढ ली है? ये सुनारा के घर से लगाई है। अच्छा अच्छा, मैंने वही तो मैंने कहा घर में अपनी तो थी नहीं। नहीं घर में थी, मैं लगा थी नहीं, सुनारा ने कहा लगा लो। आज ये पड़ी है नहीं लगा के, बस शौक ही नहीं है, यहाँ पे आनी लगा लेगा। सुनारा तैयार हो रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी हो जाऊं तैयार। यहाँ पर जी टमाटर भी इतने सारे काट के रख लिए हैं, टमाटर इतने काट लिए, हमें खाना खिलाओगे या टमाटर ही खिलाओगे? जिसमें मसाले अच्छे डालें तो सारे टमाटर पूरे ट्रे भर के रखी हुई है। हाँ ये संभाल के रखो, अगले साल काम आएगा, अगले जो है ना ईद आएगी ना उसमें काम आएगा। यहाँ पे लकड़ी तो ठीक जल रही है। हाँ जी लकड़ी तो सही जल रही है। हाँ जी बस अभी देखें, ये सरदार साहब खड़े, मेरा साथ खड़ा, ये नहीं जान छोड़ता आपको, ये नहीं छोड़ता। हाँ ठेला कर रखा है ना असल में आपकी मम्मा ने, ये कह रहे हैं चीज लेते दो वो यहाँ पे दुकान है, दुकान भी नहीं है। और आप ठीक है? चलो माशाल्लाह। आज जी यहाँ पे बनाई जा रही है पुलाव, बनाई जा रही है चिकन वाली जबरदस्त। चिकन को आप ही धो रही हैं, आप ही रुकैया साहिबा धो रही हैं, और चावल भी जो है हमारे आ चुके हैं, हम खाते हैं। कौन सा चावल है ये? पौना चावल, पौना चावल है, पौना चावल। ट्रे भी हमारी आ चुकी है, अच्छी तरह से इनको धोते हैं गोश्त को चिकन को, और फिर पानी से ऐड कर देती है आप ही, ताकि जो है इसका चिकन धो देती हूं, उसके बाद फिर चावलों को धो कर भी धो देंगे। अच्छा धोने पड़ते हैं फिर भी धोने पड़ते हैं? अच्छा धो देंगे ना, लग तो वैसे साफ है, चावल साफ ही है बिल्कुल, फिर भी पानी जो है ना आप हां जी नहीं अच्छी तरह पानी धो लो, अच्छी तरह से कंकर वगैरह निकल जाएगा ना, मिट्टी वाला जो होगा। हाँ नीचे उतार दे ये ना, अभी गोश्त को देर है, हो गया हल्के हल्के बनाना ना, तो मैं कह रही है जल जाएंगे अभी तो गोश्त को देर है, मैं कह रही है डाल दो मसाले मसाले से नहीं होगा। मैं कुछ बता डाल दो, आज दूसरी तरह बनाते हैं। हाँ चलो ठीक है, इस तरह बना रहे हैं बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह करके। किलो बनाए थे ना, पाँच किलो बनाओ कर छह किलो ज्यादा रहे, एक किलो निकाल लो, छह किलो सही है छोटा ना। देखो मैं आपको पता घी डालना बस, हमने 7 किलो पकाने, चलो ठीक है फिर ये आके रात को खाने होंगे, किसी खा लेंगे ना, इतना डाला है आज भी कुछ नए तरीके से बनाए जा रहे हैं जो पहले प्याज को फ्राई नहीं किया, बस आज हम बना। हाँ जी क्योंकि जो है ना चिकन अभी धोया जा रहा है, मैंने कहा जी पहले जो है ना मसाला ही जो है ना उसकी भुनाई कर लेते, चिकन बाद में डालेंगे। कुछ डालो वो ये डालें, आराम करें ना, कोई ना बस ये बैठे आराम चुप करके तो बैठे है ना, शोर तो नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही, क्या चीज है, हल्दी है डालो, नजर नहीं आ रही नहीं वो हल्दी नहीं नजर आ रही ना, अपने सूट के साथ मैच करके देख देख ये देख ना, बहुत आ रहा चिकन आ गया, चिकन भी आ गई, ये गई टोकरी गई, बिस्मिल्लाह टोकरी गई, जिम्मे लग रही होती है, जिम्मे लग रही होती है, डाल दो ना उस साथ से टोकरी लेके दो बाजी, चलो बस ये डाल रहे थे नहीं तो डाल जी जी बाके ते डाल रहे थे नहीं तो डाल रहे जी। हाँ और यहाँ पे इतना सारा धनिया पुदीना क्या कर रही हो? चलो माशा क्या टैट हो रहा है यहाँ, जल्दी जल्दी बनाओ, इतनी जल्दी तो नहीं है खैर, आपकी टेंशन को नहीं है, खाने वाले भी अपने हैं, खाना भी अपना है, घर भी अपना है, साथ साथ घर है, कौन सा दूर है जो टेंशन हो जी। हाँ जी मेहमान आए और जाने, ये तो बात है, बट्टा मारे एक दूसरे के घर पहुंच जाता है। हाँ जी
समिया बेटी चाय लेकर आई है माशाल्लाह। रखो जी रखो, जबरदस्त। चाचा जी ने बनाई है जिनके आपके दादा जी ने अच्छा अंदर बैठे चाय पिला रहे हैं बना बना के सबको। चाय बहुत अच्छी बनाते हैं माशाल्लाह। दूसरी जोड़ी भी पहुंच गई है जी माशाल्लाह। ये देखें जी अपने अपने कामों में लगे हुए। इधर जी जारा और इब्राहिम भी पहुंच गई हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जारा से भी मशवरा लो ना खाने पकाने के हवाले से। आलू जी धो कर ले आई हैं रुकैया सिस्टर और जी ऐड करने लगे हैं आलू। दूसरे हाथ से डाला करो नजर तो आते नहीं, पिछले से दिखाने लग जाते हो। ये काला काला क्यों हो गया? ये ना मिर्चों का रंग ही ऐसा है, इसलिए का रंग ही है। हां जी देखो ये बाजारी मिर्चों का यही नतीजा है। हां जी ये नहीं बाजारी नहीं है, ये घर की है। ये ना ग्रैंडर जो पिछले साल वो याद है ना आपको? हां याद है वो वाली मिर्ची वही है। अच्छा चलो डालो जी दही शरीर डालो। ये दही देख लेना आप, साइड डालनी है कि थोड़ी डालनी है? हम बचा देखेंगे थोड़ा सा। बहुत है ना बहुत। ये लो ये लो दही ले लो रुकैया, एक मिनट ले ये लो सुमेरा। ये पानी और डालो थोड़ा सा, इसमें कम है ये। सुमेरा आप पानी भी यहाँ से ला के रखे ना, पानी रखा था। ये धनिया क्यों काट रहे? ऊपर डालने के लिए चावलों के? अच्छा चावलों पे डाल रहे हैं? रायता बनाएंगे मुझे रायता के लिए। पता मुझे काट पकड़े डाल दो डाल दो और भाई होल ले आएगा। ज्यादा डालने से जितना मसाला है उतना अच्छा हो जाएगा। पानी डाल सही करके ये देसी सिस्टम है ना हमारे गांव के। ये लो जी चापा साफ भी तो करना ना, महंगाई है ना। साफ करने में राजा पैसे लगे हुए हैं भाई। लो जी बारिश शुरू हो गई माशाल्लाह। ये क्या होया? अच्छा कह रहे कोई नहीं, अल्लाह की रहमत है, कोई नहीं बस अल्लाह की रहमत ही रहे बस। हालांकि हमारी एक रत्ती भी टुकड़ी भी जगह की नहीं है, लेकिन अरमान दुख तो लगता है ना। ये गंदम जो है ना पूरे साल जो है ना हमने खानी। ये तो बात है, यहाँ पे जो मुर्गा जिबा करने के लिए की जा रही है। अच्छा धनिया काटना है, मैंने कहा कुछ देसी मुर्गा ला के रखा है वो भी डालना है बीच में। थोड़ी तेज होकर आ गई है। पता पुदीने की तो चटनी बनानी है। हाँ जी ये पानी ना पुदीने की बनाओ चटनी, धनिया की नहीं। पुदीने की बनाओ बड़ी खुशबू हाजमा कर देगी साथ के साथ। थोड़ा सा काट के ना इसमें डाल दें, इसमें डाल दो थोड़ा सा कलर में डाल देते सारा क्या कह रहे बाजी आप? आपके भी क्या कह रहे किसकी खराब हो रही? क्या रामी जी आंखें खराब हो रही है? अच्छा तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं। हाँ जी मैदे वाले कैप्सूल खाने से आंखें खराब हो रही, मैदे वाले कैप्सूल खाएंगे। क्या कहने आपके आंखें खराब है अम्मी जी के, कह रही है मैदे वाले कैप्सूल खाने से आप तो ठीक हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है जी, बड़े डॉक्टर की लोड़ी कोई नहीं आपके होते हुए। अम्मी जी मैदे वाले कैप्सूल खा बैठेगा कि कौन? ये तो चिमड़ा बाजी देख तो सही। ये कुछ खा रहा है, चुप करके खड़ा है ना। हाँ चलो ये है कि शोर शराबे से बचे हुए अपने मस्ती में खड़ा है। कितने देर है चावलों को? बस अभी तो पानी डालेगा, पकेंगे फिर चावल डालेंगे फिर दम पे लगेंगे फिर ही खाए जाएंगे। कह रही फिर ही खाए जाएंगे। यहाँ पे जी चटनी के लिए जी पुदीने के जो है ना पत्ते पत्ते ये जा रहा है और खुशबू अगर आप होते आप सूंघते तो आप कहते क्या बात है देसी पुदीने की। देसी पुदीना एक नंबर और यहाँ पे चाय भी माशाल्लाह देसी एक नंबर है। कल नाने की दावत है बस, जितना टब आ रहा है रोजाना एक एक बंदा करे ना दावत अगले इंशाल्लाह तक हमारी दावतें खत्म नहीं होने की। हाँ
माशाल्लाह ये महीना दावतों का ही चल रहा है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बस एक एक फर्ज जाना दावत करता जाए, इंशाल्लाह अगले रोजे तक दावतें खत्म नहीं होने की। यहाँ पे जी पानी ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे शोर शराबा किया हुआ जी, बच्चे आ गए हैं जी, अभी बाहर खेल रहे थे, सुकून था। चलो जी ये कमंडली कितने वजन की है? ये किलो की है। चलो जी ये 9। बाहर आता हूँ जी, धुएं ने बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि काम करने वाले तो चलो कर रहे हैं, मजबूरी है इनकी, मेरी तो कोई मजबूरी है ना, मेरी आंखें भी निकाली जा रहे, फिर मुझे भी जाना मैदे के कैप्सूल लेने पड़ेंगे, मेरी आंखें खराब होगी तो हाँ सही हो जाती है फिर आंखें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके क्या कहने। सुगना सिस्टर भी तैयार होकर आ गए, क्या होया सुगना बता इसे क्या होया? कुछ भी नहीं होया भाई, यानी कि ना उसे कमजोरी थी ना, तो खून वाली पानी, खून वाली बोतल। अच्छा खून पानी वाली, आगे भी पूछ लो डॉक्टर साहब। मैंने कहा शायद कुछ और होया। नहीं डॉक्टर साहब कुछ और, मेरी आंखें खराब हो रही भाई अम्मा, तो खून दूसरा क्या कर, मैं दुख बदल लगा। अम्मी ने कहा ना मेरी रात से आंखें खराब हो रही, कह रही अम्मी आप ना मैदे वाले कैप्सूल खा लो। आपने तो गलती की डॉक्टर पे, यस डॉक्टर पे ये रखा, इधर ले आना था, पक्का डॉक्टर है, पक्का डॉक्टर देगा, अल्लाह ने कामयाब करा डॉक्टर को। और यहाँ क्या करा मैं तो लेकर सरकाऊ मैं, ये भी असरी है, खांसी हंसी आ गई थी। यहाँ पे जी सारे इधर बुहड़ के नीचे आके बैठ गए हैं, क्योंकि वजह ये है कि जो है ना उस साइड पे जो है ना बारिश आ रही है अच्छी खासी, ये पत्तों ने ना बारिश को रोका हुआ है। क्या क्या मैंने कहा बारिश को रोका हुआ है पत्तों ने, मैंने कहा कह रही है बारिश को रोता हुआ है। सबने ऐसे ही समझा। नारे तकबीर अल्लाह अकबर जी, लंगर तैयार हो गया जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। चलो जी इसको खोलते हैं जरा। हाँ हाँ इसको जरा खोलो, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पीछे ही रखता हूँ कैमरा, क्योंकि भाप जो है ना जब कैमरे पे पड़ती है तो कैमरा ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। अभी जो है ना ये क्या है इधर पानी की? हाँ जी ये इसका ना ढक्कन का पानी वो। अच्छा अच्छा अल्लाह खैर करे जी, दो दिन खीर बनाई थी इस तरह ना चावल बना दियो, खुशबू तो अच्छी आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी चावल तैयार हो गए हैं जी, पतीला जी बाहर आ गया है जी, अब शुरू करने लगे हैं खाना। और इधर देखें जी ये यहाँ पे जिद कर रहा था, इसको सबसे पहले दिया है जी सेठ साहब को। क्या चीज़ क्या दूँ? वो कह रहा चटनी नहीं दी। नहीं पता नहीं क्या मांग रहा है, वो कह रहा वो दो वो दो, कुछ मांग रहा है, चम्मच ही मांग रहा होगा। और इस साइड पे बस आखिरी काम रह गया जी, चटनी की तैयारी की जा रही है। पुदीना अच्छी तरह से धो लिया है और मिर्चें भी ऐड कर लिए हैं जी। अभी थोड़ी देर के बाद जी दही आ जाती है और जो है ना हमारी चटनी तैयार होगी, रायता तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो है ना खाना शुरू करते हैं। पहले बच्चों को खिलाएंगे फिर बड़ों को। अम्मा सुन गई नू दी, हाँ दही वाले को करता हूँ फोन में। हाँ इसको ले जा बेचारे को इधर, अम्मा आ मैं को खवा अपने हत्ता नाल। बाजी फात मगर तो यही बहुत है, टेंशन नहीं है। इधर ये तुझे बहुत है, ईद मिलो, ईद मिले में पार्टी हो रही है ना। ये तो मेरे घर से आ रही है। अच्छा अच्छा हम तो नहीं आ रहे ना, आप इधर आ जाओ। ये अम्मी जी ईद का चौथा दिन जी मुबारक हो। वैसे आपस में है कल की पता नहीं कहाँ पे दावत है, अम्मी के घर। आपके पास है, आपके पास है। हाँ सही है, जिसने चलना होगा जाएगा अपने खर्चे पे। हाँ जी चले चुप करवाए इसको, खाना तैयार हो गया और सब बच्चे इधर बैठे खा रहे हैं, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं और इस साइड पे अम्मी भी बैठी हैं, सब बैठे हुए। अभी अम्मी आपको देने हैं चावल। हाँ जी ये देखें इधर जो है देखे पापा वो चावल तकसीम कर रहे हैं और सुमेरा भी ये सबको मैं भाभी और इधर महेश बेटा सबको रायता डाल के दे रही है। और शुक्र सिस्टर आप मैं देखता
चले अच्छा चलो ये लो जी माशाल्लाह से चावल है ना जी गरम पे ना डालो चावल की अच्छी है ना हाँ जी चावल माशाल्लाह जबरदस्त बने हैं चावल खा लिया और शुक्रा सिस्टर इधर जोश मेरा वो भी खा लिया और राबिया सिस्टर ने खाना खा लिया अपने खाना खा लिया और राबिया सिस्टर जा रही हैं घर अपने हम कह रहे हैं बल्कि आज रात फिर रह जाओ नहीं नहीं हाँ जी चलो अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से कुछ आए जब पहुँच जाएंगे ना फिर कॉल कर देना ओके फिर अल्लाह हाफिज आराम करो शरारतें कर रहे हो जरा इधर आओ जरा मिठू से अपने ना सलाम दुआ करो उस टाइम बहुत शोर किया हुआ था इसमें वो चाची को बुला रहा है अब हाँ चाची को बुला रहा खुद ही लगा हुआ आजो फिर आजो इसे गपशप करते हैं थोड़ी सी और इधर मैं आपको ना मंजर दिखाता हूँ ये मंजर देखें हाय 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 धोड़ा पट दिखता है मंजर ने माशाल्लाह ये वाला मंजर देखें बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर इधर आओ तेरी नहीं सुनता तू साइड पे हो जा मिठू हाँ जी मिठू बेटा क्या हुआ हाँ इधर आओ ना क्या मिठू बेटा अब जारा के जाने दो चला जारा चंदाने वालों देखा उसको मिठू मिठू हाँ जी मिठू मिठू प्यारा प्यारा मिठू आ जाओ मिठू नहीं कुछ चंदा इधर आओ ना हाँ हाँ जी आ गए हम हाँ जी आ गया सीटी मारो हाँ जी चंदा को देखो अभी जी क्या कह रहा है ये पता नहीं क्या कह रहा है मिठी 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 हाँ जी मिठू मिठू हाँ जी प्यारा प्यारा मिठू हम कह रहे थे इंसानों में हसद होती है इनमें भी हसद है वो देखो वो आ गया मिठू देखो क्या ये वाला तो गुंगा ही है बिल्कुल ये तो बस चक्की मार दे वो सोच रहा है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं वो इधर ही आ चलो जी शुगर लग गया जी चलो जी लेते हैं आपसे इजाजत मैंने भी जाना है कौसर को लेने के लिए क्योंकि कौसर गई हुई है अम्मी को मिलने के लिए ईद मिलने गई हुई है क्योंकि वो जो है ना अपना उनकी अम्मी जो है ना कहीं पर गई हुई थी अपनी सिस्टर को मिलने के लिए ईद के मौके पर वो मिल नहीं सकी थी और जो है वापसी अब आई हैं क्योंकि उनकी जो क्या खाला लगेंगे ना कौसर की कौसर की खाला की जो है ना तबीयत इंतहाई ख़राब थी तो इसलिए जो है ना उनकी अम्मी गई हुई थी कहीं पर तो मैं छोड़कर आया हुआ था तो मैंने उनको लेने के लिए जाना है वीडियो का जो है ना यहीं पर एंड करते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी पसंद आए तो अपने प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी के साथ दें हमें इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अपने चैनल का और अपना बहुत सारा रखें ख्याल अल्लाह हाफिज का तो मतलब